हे गाइस, हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी, बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड वार्म ब्राउन लुक मैंने इसको क्रिएट करा है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। लाइट ब्राउन और ब्लैक स्मोकी आई करी है, जो कि बहुत ज्यादा लाइट है, ज्यादा हैवी स्मोकी आई मैंने नहीं करी है। ये स्मोकी आई आप सिर्फ 2 मिनट में क्रिएट कर लोगे, आगे जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब मैंने ब्राउन लिपस्टिक इस पर रखी क्योंकि और कुछ इस पर सूट नहीं करेगा। तो अगर आप इस तरह से मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हो एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सूट है जो कि फ्लिपकार्ट से है, एंड इसका फुल रिव्यू वीडियो देखना है तो इसके वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिए। अफोर्डेबल और इजी जो लुक है इसको आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी शादी फंक्शन में। अगर आप वेडिंग गेस्ट के तौर पे कहीं जा रहे हो, वेडिंग्स का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आप उसमें कैरी कर सकते हो, आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं कि मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट करा है। बट उससे पहले जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना पूरी वीडियो देखने के बाद। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। एंड आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ना ग्लॉसी और ग्लोइंग वाला मेकअप करूंगी, जो बहुत ही ज्यादा मतलब फेस को ना बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग फेस लगेगा एंड बहुत ही ज्यादा हेल्थी वाला मेकअप लुक होगा। मैट नहीं करूंगी ज्यादा, सोचा है। अब देखते हैं किस तरह से टर्न आउट होता है नहीं होता है। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे डू यू का लिप प्लम्पर, और ये एक सीरम है जिससे हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं थोड़ी ज्यादा प्लम्प होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक थोड़े से प्लम्प लगते हैं, इसलिए मैंने इसको अप्लाई करा है। तो अभी क्योंकि मेकअप स्टार्ट होने वाला, तो सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेती हूँ। मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा है, अप्लाई करने वाली हूँ एक फेस ऑयल, क्योंकि सर्दियां हैं एंड हर किसी को ना अपना ड्राई फेस देख देख के बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होने लगी होगी, मुझे भी होने लगी है। लेकिन आप अगर फेस ऑयल लगा लेते हो तो मेरे पास तो यहाँ पर ये वालामीना का फेस ऑयल, जो कि रोज गोल्ड टेक्सचर के साथ आता है, ड्रॉपर फॉर्म में आता है और एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी के साथ आता है। तो मैं से बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा बस अपने अप्लाई कर रही हूँ फेस पे, बस मैंने 2 ड्रॉप ली थी, बाकी बस मैंने इसको इसी तरह से स्प्रेड कर लिया है। इस अप्लाई करने के बाद जो मतलब फेस है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाता है। एंड इसके बाद अगर आप अपने कोई भी मतलब बेस लगाते हो, जैसे फाउंडेशन, बीबी क्रीम, कुछ भी अप्लाई करते हो, कंसीलर वगैरह, तो इतनी ज्यादा इजिली ब्लेंड होता है एंड फेस ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं चिकना सा लगता है, तो वो मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसको अप्लाई करती हूँ। आप अपने फेस पे कुछ भी किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसके बाद ना आपको अपनी स्किन को इस तरह से पैट कर लेना चाहिए जिससे आपकी ना स्किन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। प्राइमर पे चलते हैं। तो प्राइमर यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ, ये पर्पल का प्राइमर है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पंप फॉर्म में आता है तो उसको और भी ज्यादा अच्छा बना देता है, लाइक काफी अच्छा लगता है मुझे। मैं इसका बस एक ही पंप लूंगी एंड इतना इनफ होगा मेरे फेस के लिए। सो मैंने अप्लाई कर दिया है एंड ये वाला जो कुर्ता है, लाइक पूरा ये कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी का है, बहुत ही ज्यादा। एंड इसका ना मैंने फुल रिव्यू कर रखा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, एंड आई नो आप इंटरेस्टेड होगे, क्योंकि कुर्ता पैंट सेट एक ऐसा वेयर है ना, एक ऐसा इंडियन वेयर है कि आप किसी भी मौसम में इसको वियर करने ही वाले हो। साथ में अभी ना गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, लाइक मार्च के बाद से हम लोग अपने कुर्ते वगैरह में आ जाते हैं, जो ये अल्ट्रा कंफर्टेबल होता है, लाइक जींस से भी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। हम लोग जींस पहन लेते हैं लेकिन ये कुर्ता प्लाजो और पैंट वगैरह जो सेट होता है ना, ये अल्ट्रा कंफर्टेबल होता है। सो मैंने वो रिव्यू कर दिया है, फ्लिपकार्ट से लिया, अफोर्डेबल भी है, अमेजिंग क्वालिटी है, चेकआउट करना वो वीडियो, आपको पसंद आएगा। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये एक इल्यूमिनेटर है 7 सीज का, इसको मैंने अमेजोन से परचेस करा था दिवाली के टाइम पे, मैंने एक लुक क्रिएट करा था उसमें अप्लाई करा था। उसके बाद इसे मैंने ज्यादा यूज नहीं करा, बहुत कम यूज करा, तो उसको मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज्यादा थोड़ा सा। वैसे आप इसे ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप नीचे भी अप्लाई करते हो, लाइक अपने बेस के अंडर भी इसको अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक मिलता है। सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई, सॉफ्ट है इसीलिए ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा बेस के नीचे। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्लोइंग सा लग रहा है फेस। अब इसके ऊपर मैं अगर अपना फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी अप्लाई करूंगी तो उसके बाद अंदर से ग्लो आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। अच्छा, प्राइमर के ऊपर भी जो आप अपना इल्यूमिनेटर है ना वो लगा सकते हो, लाइक प्राइमर आप पहले लगा लो और इल्यूमिनेटर बाद में लगा लो। बट मैंने ना थोड़ा सा इस तरह से कर दिया है कि इल्यूमिनेटर पहले लगा दिया और मैं प्राइमर जो है बाद में अप्लाई कर रही हूँ। आईज पे भी अप्लाई कर लो अगर आपके पास अलग से आई प्राइमर वगैरह नहीं है तो। फाउंडेशन भी मैं यहाँ पे पर्पल का ही यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरे जो शेड से एक शेड डार्कर आ गया है, बट इसको मैं अप्लाई कर लूंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट कंसीलर कर लूंगी तो काफी ज्यादा अच्छे से सेट हो जाती है ये चीजें, बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैं इसको ना बस अभी फिलहाल के लिए एक ही पंप ले रही हूँ, बट उसके अप्लाई करूंगी, उसके बाद ब्लेंड करूंगी। लाइक ब्लेंड होने में इतना ज्यादा अमेजिंग है, और जब ब्लेंड हो जाता है तो फेस को भी बड़ा ही अमेजिंग कर देता है। बहुत ही ज्यादा स्मूथ फाउंडेशन है ये, बहुत ही ज्यादा। मैंने इसे अभी ट्राई करा, लॉन्च तो पहले ही हो गया था, इसलिए मैं इसका फुल रिव्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसके रिव्यू देख रखे होंगे, लेकिन अगर फिर भी मेरे थ्रू जाना है तो कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगी करने का। तो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है, ब्यूटी ब्लेंडर से भी बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है।
बट मैं ब्रश से जल्दी कर लेती हूँ इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो कि मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से अप्लाई हो गया है एंड ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन से बहुत ही ज्यादा मैच है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी डार्क लग रहा है एंड आप लोगों को भी डार्क लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत डार्क लग रहा है, बट इट्स ओके। इसके ऊपर अगर मैं कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ तो काफी ज्यादा सही से इफेक्ट आता है, इतना ज्यादा डार्क लगता नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही शेड लाइटर है। एक शेड लाइट नहीं मैं यूज कर रही, मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ सिस ब्यूटी का 03 मेरा शेड है और ये भी काफी हद तक मेरी स्किन टोन के बिल्कुल आसपास वाला शेड है, तो उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा थोड़ा सा अप्लाई करना है, मुझे ज्यादा कुछ अप्लाई करना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मैं ग्लोइंग वाला मेकअप चाह रही हूँ, मैं नहीं चाह रही कि मैं बहुत ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप्लाई करूं, मेरा फेस बहुत ज्यादा केकी हो जाए। एंड इसको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो फेस है ना बहुत ज्यादा ग्लोइंग लग रहा है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा ग्लोइंग वाला मेकअप चाहिए ना, आपको फेस आपको ऐसा लगे चमकता रहे, बहुत ज्यादा शाइनिंग शाइनिंग वाला हो, तो आप ये जो दो तीन प्रोडक्ट मैंने अप्लाई करे ना बेस में, आप इनको अप्लाई करो, लाइक फेशियल ऑयल और ये वाला पर्पल का जो प्राइमर है और पर्पल का ये जो फाउंडेशन है, बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। कॉम्पैक्ट में लेने वाली यहाँ पे L18 का और बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई करना है, तो एक ब्रश की हेल्प से लूंगी ताकि बहुत ज्यादा अच्छे से लग जाए। इस तरह से मैं ले रही हूँ उसको इस तरह से और अप्लाई करूंगी सिर्फ अपने अंडर आईज पे। मैं बहुत सारा पाउडर लगा के तो नहीं रखना चाहती अपना फेस की, फिर क्या फायदा जब इतना मैट कर लिया तो अंदर क्या फायदा था ग्लॉसी करने का। और बाकी बस सेम जो है ना इसको इस तरह से कर रही हूँ, आप इस तरह से करोगे तो मत करना, इस तरह से करना, इस तरह से अच्छे से हो जाएगा। आपने कंसीलर अप्लाई करा था वहां वहां पे इसको इस तरह से प्रेस कर दोगे ना तो पाउडर अच्छे से प्रेस हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको डस्ट ऑफ करना नहीं, क्योंकि आपने इतना सारा पाउडर अप्लाई करा नहीं है कि आपको डस्ट ऑफ करने की नीड हो। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करी हुई शेरी की आईब्रो पेंसिल, काफी ज्यादा अच्छी है, ब्राउन है, बहुत ही ज्यादा इजिली काम हो जाता है इससे, इसलिए मैंने लिया है। बहुत टाइम से मैंने इसे यूज भी नहीं करा था, इनफैक्ट जब से आई है 2 दिन बाद ही यूज करा है, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई कर लेती हूँ। सो आईब्रोज मेरी फिल हो चुकी है, मैंने फिल कर ली है, ये वाली मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी। एंड अब हम अप्लाई करेंगे शुगर की काजल, एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 05, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा सुपर क्रीमी वाली काजल है। काजल लवर हो तो आपके पास ये वाली काजल होना मस्ट है, अगर आपने ये वाली ट्राई कर ली तो आप बाकी जो सारी है ना उन्हें भूल जाओगे। तो इसको मैं अप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे स्मोकी आई थोड़ा सा करनी है, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ रैंडमली थोड़ा सा अपनी आईलिड पर, सिर्फ आईलिड पर करूंगी, कुछ ज्यादा हैवी नहीं करनी, लाइट स्मोकी आई करनी है, इसलिए तो मैंने बहुत ज्यादा हल्का हल्का से अप्लाई करा है इसको। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ना हम इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। इस वाली काजल में ना हल्की हल्की सी शिमर भी है, बहुत हल्की हल्की सी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, बहुत ही ज्यादा इजिली हो जाती है ब्लेंड। वैसे अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक शुगर का 1 ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करा था, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उसको देखने में तो उसको भी प्लीज आप चेकआउट कर लेना, लिंक मैं मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट होते हैं शुगर के, मैंने ट्राई करे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। सेम काजल को मैं अपने लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर लूंगी, थोड़ा डार्क क्योंकि अब ब्लेंड हो गई है तो मैं लाइनर अलग से नहीं अप्लाई करूंगी, मैं इसी को अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं ज्यादा नहीं ब्लेंड करूंगी, इसको बस मैं हल्का हल्का सा कर लूंगी लैश लाइन के पास पास, ताकि जो गैप है लैशेस के पास वो ना दिखे और नीचे जो लुक है थोड़ा सा डार्क आए। ब्राउन कलर भी मेरे को अप्लाई करना है थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ ब्लैक ब्लैक काजल अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है। ब्रश में लेके मैं इसे अप्लाई करूंगी इस तरह से कि थोड़ा सा ऊपर की साइड अप्लाई हो, लाइक क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ताकि जो शेड है ना वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट आए, बहुत ही ज्यादा इजी वाला स्मोकी आया है, क्योंकि इसमें ना आपको कुछ ज्यादा हैवी नहीं करना, कोई बेस अप्लाई नहीं करना है और एकदम ऑम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है, लाइक ब्राउन फिर लाइट ब्लैक एंड डार्क ब्लैक। ब्राउन कलर मैं नीचे भी अप्लाई करूंगी लोअर लैश लाइन पर। तो मैं अप्लाई करूंगी ब्लैक मस्कारा और ये है बाय ब्रांड ऑरिक। सो आई मेकअप डन है, मैं लैशेज अभी देखूंगी कि मैं अप्लाई करूंगी या नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं ब्लश पैलेट ले रही हूँ जो है मैट लुक का, इसमें बहुत ही ज्यादा 4 ब्यूटीफुल शेड है, बट मैं आज अप्लाई करूंगी ब्राउन, क्योंकि जो मेकअप है वो थोड़ा ब्राउन अंडर टोन में है, इसलिए एंड हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, जो कि मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा ही अप्लाई करने वाली हूँ, ज्यादा नहीं करूंगी। नोज पर अप्लाई कर लेंगे बहुत ज्यादा थोड़ा सा, नोज के टिप पर, क्यूपिड्स बो पर, चिन पर, थोड़ा सा फॉरहेड पर। लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इन साइड की, ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राउन ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू न्यूड। सो गाइज मेरा जो मेकअप लुक है कंप्लीट हो चुका है एंड मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, इसे मैंने बस पेयर अप करा है एक बिंदी से,
एंड ईयरिंग्स पहने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। गोल्डन कलर के मैंने इसलिए पहने हैं क्योंकि इस सूट में जो है थोड़ा सा गोल्डन कलर की क्या बोलते हैं लेस लग रही है इसलिए। एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लुक लग रहा है ये, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। वॉर्म है लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लीन लग रहा है। जिस तरह से मैंने बताया था कि मैंने फाउंडेशन जो अप्लाई करा था उसके ऊपर मैं कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लुक लगता है एंड लग भी रहा है, ग्लोइंग लग रहा है एंड अमेजिंग लग रहा है। सो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है आप मेरे को कॉमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी वीडियो है ये। सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर अभी तक नहीं करा है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आती है। एंड अगर आपको इस सूट का फुल व्यू देखना है लाइक पूरा किस तरह से लगता है ये, तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर दिया, वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड फुल रिव्यू देखना है कि किस तरह से आया है, अच्छा है नहीं आया है, तो उसकी वीडियो बनाकर डाल दी है तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।